प्रधानमंत्री मोदी की बांदा में रैली से पहले विस्फोटक का जखीरा हुआ बरामद। नैरनी कस्बे के दो अलग अलग क्रशर से विस्फोटक मिले। क्राइम ब्रांच की छापेमारी में कुल 200 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 50 डेटोनेटर और 7 जिलेटिन रॉड बरामद। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने की है आजादी, नमाज भी कर सकती हैं अदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों हैं के तंज पर दिया करारा जवाब। कहा, राहुल गांधी ने किया पिछड़ी जाति का अपमान। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा। कहा, यहाँ गुंडों को दी जाती है तरजीह। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने प्रियंका चतुर्वेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाले 8 नेताओं को किया बहाल। ट्वीट कर जताई नाराजगी। राष्ट्रपति को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की विवादित टिप्पणी। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी व भाजपा ने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया। विवाद बढ़ने पर लिया यूटर्न। कहा, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती पर लगा धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। धार्मिक संस्था के महासचिव चतर सिंह ने अदालत में की शिकायत। 1 मई को होगी सुनवाई। शिकायत में कहा, मायावती ने भगवान श्री राम की तुलना खुद से की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, पुलवामा जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक कश्मीर मसले का सियासी हल नहीं होता। भाजपा उपाध्यक्ष उमा भारती ने प्रियंका गांधी को बताया चोर की पत्नी। कहा, जमानत का मतलब क्लीन चिट नहीं होता, ऐसी स्थिति में वह क्या कहलाएंगी। राहुल गांधी ने उमा भारती के बयान को बिगड़े बोल दिया करार। सुशील कुमार मोदी ने किया बड़ा खुलासा। चारा घोटाले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से की थी मुलाकात। जेट एयरवेज के समर्थन में उतरे शराब कारोबारी विजय माल्या। भारत सरकार पर निजी विमानन कंपनियों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। बैंकों से लिए ऋण को लौटाने की बात भी दोहराई। शेयर धारकों ने दायर की याचिका। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अवमानना याचिका पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से 10 दिन में मांगा जवाब। राजनीतिक दलों के उनके चुनाव घोषणा पत्रों में कर्ज माफी पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज। याचिका में कहा गया कि इन योजनाओं में सरकारी कोष का होता है इस्तेमाल, जिसका अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। सिरसा से मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को फिर उतारा चुनावी मैदान में। इमरान खान के बयान को रक्षा मंत्री ने साजिश दिया करार। निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जरिए मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की रच रही है साजिश। टाइम मैगजीन ने 2019 के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों की सूची की जारी। 3 भारतीय, मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू, मेनका गुरुस्वामी को किया शुमार। चीन ने कहा, पाकिस्तान आतंक के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काली सूची में डालने की ओर बढ़ा रहा है कदम। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के चीन से टेक्निकल होल्ड हटवाने के अल्टीमेटम को किया खारिज। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को मारी गोली। भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए की आत्महत्या। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ऐतिहासिक खोज। चंद्रमा पर उल्का बौछारों से निकलता है पानी। इस ऐतिहासिक खोज से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह पर पानी की स्थिति जानने में मिलेगी मदद। वरुण आलिया के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी कलंक। तोड़े पहले दिन कमाई करने के सभी रिकॉर्ड। 21.60 करोड़ रुपए की कमाई की। स्ट्राइकर मेसी ने बार्सिलोना को सेमीफाइनल में पहुंचाया। चैंपियंस लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया बार्सिलोना। 2015 से लगातार 5वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। जय हिंद।